उत्तर प्रदेश के अवैध रेत खनन मामले में सीबीआई अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अखिलेश यादव की भूमिका की भी जांच की जाएगी। साल 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध खनन मामलों की जांच के आदेश दिए थे। 2012-13 में खनन मंत्रालय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी सीबीआई पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी रमेश मिश्रा और उसके भाई दिनेश कुमार को सीबीआई ने मामले में आरोपी बनाया है। 31 मई 2012 को यूपी सरकार का आदेश था कि माइनिंग के टेंडर सिर्फ ई टेंडर से ही दिए जाएंगे, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 6 राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें से जेपी नड्डा को उत्तर प्रदेश और निर्मला सीतारमण को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा में लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी कलराज मिश्र को सौंपी गई है। कर्नाटक में मुरलीधर राव, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में अविनाश राय को प्रभारी बनाया गया है। वहीं पीयूष गोयल को तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की जिम्मेदारी दी गई है। चेन्नई में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत संघ परिवार से जुड़े 30 संगठन हिस्सा लेंगे। बैठक में श्रीराम मंदिर का मुद्दा छाए रहने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस मंदिर मुद्दे पर वीएचपी को शांत रहने के लिए कह सकता है। पीएम मोदी ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा था कि अदालती विकल्प खत्म होने के बाद ही कानून बनाने या अध्यादेश लाने पर सोचा जाएगा। चिंतन शिविर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हार पर भी समीक्षा की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली का दौरा करेंगे। अमित शाह आज सुबह 11:30 बजे सिलवासा में प्रदेश बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो सिलवासा के हवेली मैदान में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 1:00 बजे अमित शाह सिलवासा में बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। वहां से अमित शाह महाराष्ट्र के लातूर के लिए रवाना होंगे। लातूर में भी अमित शाह बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले श्रीराम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों से बचने की सलाह दी है। एलजेपी संसदीय बोर्ड के प्रमुख चिराग पासवान का कहना है कि विकास के मुद्दे से भटकने का नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि इससे गठबंधन को बिहार में 40 में से 35 सीटें मिल सकती हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पहले ही राम मंदिर पर अध्यादेश लाए जाने का विरोध कर चुके हैं। लालू यादव के परिवार में फूट की खबरों के बीच कल तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेजस्वी ने बड़े भाई के पैर छुए। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। तेजस्वी तेज प्रताप की मुलाकात में 9 जनवरी को दिल्ली में होने वाला आरजेडी का धरना रद्द करने का फैसला लिया गया। भाइयों ने पिता लालू यादव की पुरानी तस्वीर के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। तेज प्रताप ने कहा कि ये मुलाकात कृष्ण और अर्जुन की मुलाकात है। इस मुलाकात से बिहार और देश में उनके जितने भी दुश्मन हैं वो धराशायी हो जाएंगे। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि वंशवाद की लड़ाई में तेज प्रताप यादव अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए रामलीला मैदान में भीम महासंगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में एक ही बर्तन में 5000 किलो खिचड़ी बनाई जाएगी। बीजेपी ने इसे समरसता खिचड़ी का नाम दिया है। खिचड़ी के लिए अनुसूचित परिवारों से दाल चावल लिया गया है। बीजेपी का दावा है कि 3 महीने में 13 लाख अनुसूचित परिवारों ने खिचड़ी के लिए दाल और चावल दान दिया है। खिचड़ी को नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर बनाएंगे। एक बर्तन में 5000 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराने की कोशिश हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में खुलासा किया है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को कई दूसरी डील से भी अच्छी रकम मिली है। ईडी के मुताबिक मिशेल को ऑगस्टा वेस्टलैंड डील से करीब 192 करोड़ और करीब 142 करोड़ रुपए मिले थे। मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बीजेपी ने ऑगस्टा के सीईओ को लिखी क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठियों के हवाले से गांधी परिवार पर हमला बोला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनोज अरोड़ा के खिलाफ बेमियादे गैर जमानती वारंट के लिए दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दाखिल की। इस मामले में 8 जनवरी को सुनवाई होगी। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय कई बार समन भेज चुका है, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं आया। ईडी के मुताबिक मनोज अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और उसे रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में जानकारी है।
अयोध्या में 5 लाख हिंदुओं के बदले 25 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करने की धमकी देने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली में एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम से मुशायरा कराने जा रही है। ये मुशायरा 7 जनवरी की शाम दिल्ली के इवाने गालिब ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। एसडीपीआई ने मुशायरे में देश के बड़े शहरों के आने का दावा किया है। मुशायरे के पोस्टर में मशहूर शायर जौहर कानपुरी, माजिद देवबंदी, अल्ताफ जिया, मोइन शादाब समेत कई शायरों की तस्वीरें लगाई गई हैं। राजस्थान के सोजत इलाके में सड़क पर लव पाकिस्तान लिखे गुब्बारों को बेचते हुए दो नाबालिग बच्चे देखे गए, जिसके बाद इसकी खबर पुलिस को दी गई। दोनों बच्चों से पूछताछ के बाद उनके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले नारे लिखे गुब्बारे आखिर बनाए किसने और इनकी बिक्री क्यों की जा रही थी। इसी बीच हिंदू संगठनों ने इन सब के पीछे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की आशंका जताई है। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की निगरानी के लिए खास बटालियन बनाई गई है। बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन की नजर रोहिंग्या शरणार्थियों पर है। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसी रोहिंग्या शरणार्थियों को भर्ती करने की जेबीएम की साजिश नाकाम कर चुकी है। अब बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन ने कॉक्स बाजार जहां रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप है वहां 15 बटालियन की तैनाती की है। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सरकार को विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया है। पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कुछ और वक्त दिए जाने की मांग की थी। अब विजय माल्या की प्रॉपर्टी जब्त करने पर पीएमएलए कोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होगी। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने पहले ही विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर मोहर लगा चुकी है। पंजाब के सरकारी स्कूल में बच्चों को अब तक सर्दी की ड्रेस नहीं मिली है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ओपी सैनी दावा कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर सभी बच्चों को सर्दी की ड्रेस मुहैया करा दी जाएगी। ओपी सैनी ने कहा कि अपने कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई काम किए हैं, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से सर्दी की ड्रेस खरीदने में देरी हुई है। पंजाब में करीब 13 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। दिसंबर के बाद जनवरी में पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रयागराज में कुंभ मेले को कामयाब बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रयागराज कुंभ मेले में सबसे बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वो तीनों वैष्णव अन्य अखाड़ों में ध्वज पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। तीनों अखाड़ों में सीएम योगी ने संतों का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने रात में क्रूज के जरिए किले की दीवार, नई यमुनापुर पर की गई लाइटिंग को भी देखा और वो इंतजामों से संतुष्ट नजर आए। यूपी के बलिया में प्राइमरी स्कूल के अंदर शर्मसार करने की घटना हुई है। एक तरफ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ बार गर्ल्स का अश्लील डांस चल रहा था। फिल्मी गानों की धुन इतनी तेज थी कि बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। हैरानी की बात तो ये थी कि इस कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने बार गर्ल्स का डांस रुकवाने की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद अब जिले का शिक्षा विभाग दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार को रेस्टोरेंट मालिक अनिल मान का सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लग गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही एक कार पार्किंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है तभी एक दूसरी कार उसके सामने आकर रास्ता रोक देती है। फिर इसी कार से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और सामने फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बाद 3 लोग तो किसी तरह जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन अनिल मान नाम के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं। पुलिस का कहना है कि जिस अनिल मान की हत्या की गई है उस पर पहले से हत्या की कोशिश और धमकाने के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह गैंग वॉर हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मनाली, लाहौल, डलहौजी, किन्नौर सहित सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है। हिमाचल प्रदेश का केलांग सबसे सर्द इलाका बना हुआ है। डलहौजी में न्यूनतम तापमान -1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तो कुफरी में तापमान -0.8 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम पर असर पड़ रहा है। वहीं तापमान -3 से -4 डिग्री तक पहुंच गया है। बद्रीनाथ में भी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के दूर दराज क्षेत्रों में अगले 36 घंटों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। और वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से हल्की बारिश हुई जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि ठंड ने पहले से ही लोगों की मुश्किलों को बढ़ाकर रखा है, लेकिन सुबह सुबह हुई बारिश के चलते कई लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर में बारिश ने
एक बार फिर से सर्दी बढ़ने के आसार को और पुख्ता कर दिया है, क्योंकि मौसम विभाग ने इससे पहले चेतावनी जारी की थी कि दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है, और वो जो अनुमान है वो सही साबित हुआ, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में टेंट सिटी बनाया गया है, जिसमें 5-स्टार होटल की तर्ज पर सुविधाएं होंगी। कुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 20 में बन रही टेंट सिटी को इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया है। टेंट सिटी में 3 कैटेगरी डीलक्स, सुपर डीलक्स और विला होंगे, और इसके लिए 12,000 से 32,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। यहाँ रुकने वाले लोगों के लिए नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली, गुजराती खाना परोसा जाएगा, साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए कॉन्टिनेंटल की सुविधा भी होगी। टेंट सिटी में गौशाला और 108 हवन कुंड भी बनाए गए हैं। 50 एकड़ में 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रही टेंट सिटी का निर्माण 2 दिसंबर को शुरू हुआ है और 10 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। गुजरात के नवसारी जिले में गौसेवा ट्रस्ट के लिए पैसे जुटाने के लिए शनिवार को भजन कार्यक्रम में नोटों की खूब बारिश हुई। गौभक्त साजन भरवाड़ ने गायों के एम्बुलेंस के लिए भजन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें गुजराती लोक गायिका गीता रबारी ने भजन गाया। गीता रबारी को सुनने आए सैकड़ों लोगों ने लाखों रुपए के नोट बरसाए। इस भजन में आए कुछ एनआरआई ने भी अमेरिकी डॉलर की बारिश की। गुजरात में कई कलाकार और गायक हैं जिनके भजन कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए की बारिश होती है। भारी बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी के ज्यादातर इलाकों का संपर्क टूट गया। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे और मुगल रोड को बंद करना पड़ा। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और बांदीपोरा गुरेज सड़क भी यातायात के लिए बंद है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतार लगी है। हालांकि बर्फ हटाने का काम अभी जारी है। बर्फबारी की वजह से रेल सेवा ठप है और हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। बर्फबारी की वजह से कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। श्रीनगर में 10 इंच तक बर्फ जमी हुई है। कांजीकुंड में 11, पहलगांव में 16 और कुपवाड़ा में 17 इंच तक बर्फ गिरी है। कटरा में भी भारी बर्फबारी हुई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में किताबों का मेला सज चुका है। शनिवार को विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हुई। 9 दिन तक चलने वाले 27वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किया है। पुस्तक मेले में इस बार भी दुनिया भर के लेखक संपादक पहुंच रहे हैं। बुक फेयर में आपको बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए हर शैली की किताबें मिल जाएंगी। पुस्तक मेले में एक स्टॉल पर पीएम मोदी के कटआउट की किताबें रखी गई हैं। किताब का टाइटल है नरेंद्र मोदी, एक सकारात्मक सोच। लेखक की माने तो इस किताब में प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली से जुड़ी सकारात्मक बातें हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद अब बंगले के लिए खींचतान शुरू हो गई है। नई सरकार के नए मंत्रियों को रहने के लिए बंगले चाहिए, लेकिन ये बंगले शिवराज सरकार के मंत्रियों और कई दिग्गज नेताओं के कब्जे में अब भी हैं। गृह विभाग ने नोटिस तो दिया है, लेकिन नेता वक्त मांग रहे हैं। अब सरकार ऐसे नोटिस भेजने की तैयारी में है, जिसके बाद बंगला खाली नहीं किया गया तो 10 गुना ज्यादा किराया वसूला जाएगा। हालत ये है कि कमलनाथ सरकार के मंत्री कहीं विधायक विश्राम गृह से काम चला रहे हैं, तो कहीं अपने पुराने और छोटे सरकारी आवास में अफसरों के साथ बैठकर कर रहे हैं।